बॉलीवुड की फिल्मों में एक सीन बड़ा पॉपुलर है, एक गैंगस्टर जो अस्पताल में भर्ती है उसको मारने के लिए गैंग के दूसरे लोग डॉक्टर बनकर अस्पताल में जाते हैं और उस गैंगस्टर की हत्या कर देते हैं। दरअसल बॉलीवुड की इस फिल्म का उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल और पूर्वांचल में माफिया राज से बड़ा गहरा कनेक्शन है। कनेक्शन पूर्वांचल के माफिया डॉन ब्रजेश सिंह से है। दरअसल जिस सीन को हम और आप फिल्मों में देखते हैं यह असल में हुआ था। घटना 12 फरवरी 2092 की है, मुंबई के जे हॉस्पिटल, जहां पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के बहनोई इब्राहिम पास्कर की अरुण गवली गैंग के कुछ लड़कों ने हत्या कर दी। दाऊद इब्राहिम ने अपने बहनोई की इस हत्या का बदला लेने की जिम्मेदारी ब्रजेश सिंह को सौंपी। ब्रजेश सिंह कुछ मुंबई के शूटर्स और अपने शूटर्स के साथ जे हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 18 में जाता है, जहां पर अरुण गवली गैंग का शूटर शैलेश हल्दंकर भर्ती था, उसकी गोलियों से भूनकर हत्या कर दी जाती है। गोलियां AK-47 चली और करीब 500 गोलियां चली। इतना बड़ा शूट आउट मुंबई के इतिहास में कभी नहीं हुआ और वहीं से ब्रजेश सिंह का नाम अंडरवर्ल्ड में भी खौफ का नाम बन गया। वो ब्रजेश सिंह जिसकी अपनी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। वाराणसी के धौरारा गांव का रहने वाला ब्रजेश सिंह इनके पिता रविंद्रनाथ सिंह गांव के बहुत संपन्न किसान थे। हर पिता की तरह रविंद्रनाथ सिंह भी चाहते थे कि उनका बेटा होनहार हो, पढ़ लिख कर सरकारी अफसर बने, नाम पैदा करें, सुकून की जिंदगी जिए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 12वीं में अच्छे अंक से पढ़ाई परीक्षा पास करने के बाद ब्रजेश सिंह ने BSc में एडमिशन लिया। BSc में पढ़ाई चली रही थी कि तभी रविंद्रनाथ सिंह की गांव के ही कुछ लोगों ने हरिहर सिंह और पांचू सिंह ने मिलकर हत्या कर दी। बस यहीं से ब्रजेश सिंह की जिंदगी का रास्ता बदल गया। जो रास्ता सफेदपोश अहदेदार अधिकारी की तरफ जा रहा था वो रास्ता जरायम की काल कोठरी की तरफ मुड़ गया और वहीं से ब्रजेश सिंह ने अपराध की दुनिया में कदम रखा। पिता की हत्या का बदला लेने के लिए सबसे पहले ब्रजेश सिंह ने हरिहर सिंह की हत्या की और उसके बाद 1985 में सिकरौरा में एक साथ 7 लोगों की सरेबाजार गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। वजह कि ये 7 लोग भी पिता रविंद्र सिंह की हत्या में शामिल थे। हरिहर सिंह की हत्या के बाद ब्रजेश सिंह को जेल हो गई। जब ब्रजेश सिंह जेल में पहुंचा तो वहां पर उसकी दोस्ती त्रिभुवन सिंह से हुई। त्रिभुवन सिंह भी पूर्वांचल में खौफ का नाम था। जब ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह की दोस्ती पक्की हुई तो दोनों ने कोयला खनन समेत तमाम कारोबारों में, चाहे वो मछली की वसूली हो, चाहे वो कोयले का कारोबार हो, चाहे वो रेलवे के ठेके हो, अवैध टेम्पू स्टैंड हो, ये तमाम ऐसे कारोबार थे जिससे बड़ी कमाई हो रही थी और जिसमें सिर्फ बाहुबल की जरूरत थी, जिसमें खौफ की जरूरत थी, उस पर ब्रजेश सिंह और उनके साथियों ने कब्जा करना शुरू किया, सरकारी ठेकों पर कब्जा करना शुरू किया और यहीं से टकराव शुरू हुआ पूर्वांचल के दूसरे बाहुबली मुख्तार अंसारी से। दरअसल मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह के बीच में अदावत आमने सामने तब शुरू हुई जब इनके सरपरस्तों के बीच में सरकारी ठेके को लेकर अदावत शुरू हुई। मुख्तार अंसारी मकरू सिंह गैंग से जुड़ा हुआ था, मकरू सिंह का करीबी था, तो वहीं दूसरी तरफ ब्रजेश सिंह साहिब सिंह के करीबी थे। जब दोनों के बीच में सरकारी ठेकों के लेकर अदावत शुरू हो गई तो धीरे धीरे मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह भी आमने सामने आ गए और एक वक्त ऐसा आया कि दोनों ही अपने सरपरस्तों से अलग होकर अपना अलग साम्राज्य स्थापित करने लगे और यही तो शुरू हो गई ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी के बीच गैंग वॉर। जिस गैंग वॉर की नतीजा था गाजीपुर का ऊसर चट्टी गांव, जहां पर साल 2001 में तत्कालीन विधायक मुख्तार अंसारी, जो समय विधायक हो चुके थे, वहां से लौटते वक्त ब्रजेश सिंह ने अपने साथियों के साथ ऑटोमेटिक राइफल AK-47 से हमला कर दिया, जिसमें मुख्तार अंसारी का गनर
मारा गया। इसी मामले में ब्रजेश सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली है। साल 2005 का वक्त जब बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई और इसमें मुख्तार अंसारी का नाम आया, तब से अचानक ब्रजेश सिंह, कहीं पर भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई जहां पर ब्रजेश सिंह का नाम आया हो। कहा जाने लगा कि ब्रजेश सिंह उत्तर प्रदेश छोड़कर चला गया। ब्रजेश सिंह उत्तर प्रदेश से उसने अपना पलायन करके उड़ीसा में अपना ठिकाना बना लिया, वहां पर वो नए नाम से रहने लगा। ब्रजेश सिंह उर्फ अरुण सिंह एक ऐसा नाम था जिसने उड़ीसा में एक बड़े कारोबार को खड़ा किया, लेकिन इसकी भनक दिल्ली स्पेशल सेल को लग गई कि उत्तर प्रदेश पुलिस के 5 लाख का इनामी ब्रजेश सिंह उड़ीसा में छिपा हुआ है, और वहां पर दिल्ली स्पेशल सेल ने ब्रजेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया। तभी से ब्रजेश सिंह वाराणसी के सेंट्रल जेल में बंद हैं। अब ब्रजेश सिंह को जमानत मिल गई है। जराइम की दुनिया में अपना खौफ का नाम पैदा करने के साथ साथ ब्रजेश सिंह के परिवार ने अपने राजनीतिक कद को भी बढ़ाया। कहते हैं कि वाराणसी में MLC की सीट हो या सैयद राजा की विधानसभा सीट, यहां पर जीत उसी की मुकम्मल होती है जिस पर आशीर्वाद ब्रजेश सिंह का और उनके परिवार का होता है। और यहां से अभी भी ब्रजेश सिंह के भतीजे सुशील सिंह विधायक हैं, उनकी पत्नी MLC हैं। यूं कहा जाए कि ब्रजेश सिंह ने जराइम की दुनिया के साथ साथ जब वो जेल में पहुंचे तो वहां से धीरे धीरे राजनीतिक सफर भी शुरू किया, खुद भी MLC रहे। अब ब्रजेश सिंह जेल से बाहर हैं तो उनका कट्टर दुश्मन मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद है। मुख्तार अंसारी गाहे बगाहे जब भी पेशी रही, उसने अपनी जान को खतरा मंडराते हुए तमाम आरोप लगाए, तमाम जेल प्रशासनिक अधिकारियों पर आरोप लगाए कि उसकी हत्या करने की साजिशें रची जा रही हैं। जेल में खतरा हमेशा गैंगस्टर्स को बना रहता है, लेकिन जेल से ज्यादा मुफीद इलाका भी उनके लिए कोई दूसरा नहीं होता। अब ब्रजेश सिंह जेल से बाहर आ रहे हैं तो जाहिर है कि उनकी अपनी सुरक्षा को लेकर, क्योंकि ब्रजेश सिंह हमेशा से ही अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत सतर्क रहने वाली शख्सियत रहा है। जराइम की दुनिया में कहते हैं कि ब्रजेश सिंह ने कभी किसी पर बहुत भरोसा नहीं किया, यही वजह है कि वो कभी अपनों से धोखा नहीं खाया। अब ब्रजेश सिंह जेल से बाहर आए तो फिर देखना होगा कि राजनीतिक वजूद कितना बड़ा हो पाता है। यूपी तक में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।